दोस्तों, कार में जो वाइब्रेशन के ऊपर, वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन अब ये एक वाइब्रेशन है जो कभी जाने का नाम ही नहीं लेता है। कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कार के अंदर, जिसकी वजह से एडिशनल वाइब्रेशन आते हैं ड्राइविंग के दौरान। तो आज एक और ऐसी ही प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, और वो है हमारी जो रियर सीट होती है उसमें उसके जो लॉक्स होते हैं उनकी बात मैं करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे उन लॉक्स को हम फिक्स कर सकते हैं, और जो एडिशनल कुछ आवाज़ आती हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करके फिक्स कर सकते हैं। तो गाइज, ये है वो जगह जहाँ से आवाज़ आती है। आप देख सकते हैं कि जब भी गाड़ी, जैसे अगर आप सिंगल पैसेंजर या डबल पैसेंजर के साथ में हैं और आगे की सीट पर बैठे हुए हैं, पीछे की सीट खाली है, तो हल्के से जो बम्प वगैरह या फिर जो गड्ढे आते हैं उसमें, ये इस तरीके की आवाज़ आती है जो कि बड़ी इरिटेटिंग लगती है। ये इस तरफ से भी आती है, और जो इसके आइदर साइड में है ये वाला हिस्सा, इससे भी आती है। इससे थोड़ी कम आ रही है, बट इससे बहुत ज़्यादा आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इरिटेटिंग आवाज़ है। तो हम इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, पहले तो हमें इन्वेस्टिगेट ये करना होगा कि भाई इसमें आवाज़ आती क्यों है। तो ये हमने इसको खोला, और इस सीट को हमने इस तरीके से खोल दिया। आप देख सकते हैं कि ये हुक है यहाँ पर, सेम हुक पीछे भी है। अब उस हुक के साथ में क्या समस्या है, उसके साथ में समस्या ये है गाइस कि यहाँ पर इसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, और जैसे ये इसके अंदर फंसता है तो यहाँ पर कुछ स्पेस दिया हुआ, उस स्पेस के अंदर ये जो जगह है ये थोड़ी छोटी पड़ती है, इसलिए उसमें स्पेस रह जाता है और इस कारण से आवाज़ आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, एनीवेज गाइस, तो हम ये कर सकते हैं कि इस तरीके का एक पाइप ले सकते हैं जो डायमीटर लगभग 12 से 15 mm का होगा, और उस पाइप को अगर हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो है आसानी से थोड़ा सा बड़ा कवर हो जाएगा और फिर शायद आवाज़ ना करें। तो आइए कोशिश करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस पाइप को काटेंगे बीच से और फिर इसको इसमें लगा देंगे। तो गाइस, ऑलमोस्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी, अब देख सकते हैं कि ये अब इस तरफ थोड़ा सा बचा हुआ है और इस तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस तरफ से किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम ये कर सकते हैं कि अब इसको फाइनली फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने टेम्परेरी लगाया था, तो इसको हम वापस निकाल लेते हैं। ये हमने इसको वापस निकाल लिया है, देख सकते हैं। अब इनमें हम ये जो हमारे पास में एक एक केबल टाया है, इससे इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, ताकि ये जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। और चूंकि इस वाले में थोड़ा वाइब्रेशन अभी भी बाकी है, तो इसके ऊपर हम एक और हल्का सा मोटा पाइप की स्लीव चढ़ा देते हैं, और उसके लिए हमारे पास में ये वाला पाइप है, तो हम इसको काटेंगे उसी साइज का और स्लीव चढ़ा देंगे। तो गाइस, थोड़ा सा जो बॉन्ड फिक्स है उसको इसमें हम लगा देते हैं, क्योंकि उससे हमको एक एडिशनल यहाँ पे सेफ्टी मिलने वाली है, मतलब ये चिपक जाएगा इससे परमानेंटली। वैसे हमारे पास में जो क्या कहें कि केबल टाई है ऑलरेडी, लेकिन केबल टाई भी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। हमने एक तरफ से लगा दिया है, और जो इसकी दूसरी तरफ वाला पाइप है उसको हम कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे इसमें, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सा बॉन्ड लगा लेना चाहिए ताकि ये जो है इसमें चिपक जाए। गाइस, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, इसका जो सॉल्यूशन है, या आप किसी भी मैकेनिक के पास में चले जाएं, डेकोरेटर वाले के पास में चले जाएं, वो आपको टेम्परेली सॉल्यूशन बताएगा, जो एक्चुअल कॉजेस है वो नहीं बताएगा। और इस टाइप के जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ आप और मैं ही निकाल सकते हैं,
क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन भी हमें पता चल जाता है. आफ्टर ऑल वी आर द मोस्ट सुपीरियर एनिमल ऑफ दिस प्लैनेट. तो इस तरीके से फिर हम इसमें जो है ये लगा सकते हैं. अभी क्योंकि जो फेविकॉल है वो थोड़ा सूखा हुआ है, गीला है, तो ये जो है लगी रहेगी. तो आप इसको थोड़ा दूर से काटें ताकि अगर खोलनी पड़े तो इसको खोला जा सके. दोनों हाथ की जरूरत पड़ेगी. तो इस तरीके से हमारा जो ये जो हुक था उसमें हमने पैकिंग कर दी है. सेम इस तरफ भी की, इस तरफ थोड़ी बड़ी की है क्योंकि इस तरफ ज़्यादा आवाज़ आ रही थी. अब आइए सीट को एक बार फाइनली लगा के देखते हैं. आप देख सकते हैं इस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है. हम लाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी, और इस तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है. एक बार उस तरफ चल के देखते हैं. तो गाइस इस तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है. तो इस तरीके से गाइस हमने अपनी जो रियर सीट वाइब्रेशन या एडिशनल साउंड वाली जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया. उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. जय हिंद, जय भारत. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.